हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, आज हम इस ब्यूटीफुल से निटिंग पैटर्न को बनाना सीखेंगे, जो कि बहुत ही इजी है। इस डिज़ाइन का आप चैन स्वेटर बना सकती हो, लेडीज स्वेटर बना सकती हो, गर्ल स्वेटर बना सकती हो, बेबी प्रोजेक्ट पे आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकती हो। केवल दो सिलाई में बनने वाला ये प्यारा सा डिज़ाइन है। देखिए इसकी राइट साइड इस तरह से ये दिखता है, और ये इसका बैक साइड है। रॉन्ग साइड से ये ऐसे दिखाई देता है। डिज़ाइन को बनाने के लिए फंदे हमने 4 के मल्टीपल पे लेने हैं, यानी कि 4 फिर 4 फिर 4 फिर 4। इस तरह से 4-4 करते हुए लास्ट में हमने 3 फंदे एक्स्ट्रा इसमें डालने हैं। तो चलो फटाफट से इसे बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पे डाले हैं 15 फंदे, 4 फंदे फिर 4 फंदे फिर 4 फंदे, 12 फंदे डिज़ाइन के हैं और 3 फंदे एक्स्ट्रा हैं। तो इसी तरह से हमने फंदे लेने हैं डिज़ाइन को बनाने के लिए। देखिए पहली सिलाई बनाएंगे हम सीधी तरफ से, रो वन राइट साइड। ध्यान से देखिएगा, पहला फंदा एच स्टिचेस से स्लिप करेंगे, इसके बाद इस दूसरे फंदे के यहाँ पे हमने सिलाई डालनी है। देखिए यहाँ पे आप देख सकते हो, एक सिलाई नीचे यहाँ पे सिलाई डालेंगे इस तरह से, और यहाँ पे इस फंदे को इस तरह से सीधा बुनेंगे। अब धागा अपनी तरफ ले लेना है और एक बार सिलाई पर धागा इस तरह से घुमाएंगे, ठीक है। फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2 और 3। अब देखिए जो फंदा हमने यहाँ पे ये घुमाया वाला फंदा है, इसे लेंगे और इन तीनों के ऊपर से लाते हुए यहाँ पे इसे ड्रॉप कर देंगे ऐसे। फिर से हमने 1, 2, 3, 4, ये 4 फंदों वाले डिज़ाइन को रिपीट करना है। धागा पीछे करके देखिए, पहला फंदा सीधा वाला, इसे हमने नीचे थोड़ा नीचे यहाँ पर सिलाई डालनी है। देखिए यहाँ पर सिलाई डाली, एक फंदा यहाँ से बनाना है ऐसे, फिर धागा अपनी तरफ करके एक बार सिलाई पे धागा घुमाएंगे और 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2 और 3। फिर देखिए जो ये धागा हमने घुमाया है 3 फंदे के बाद, यहाँ पे इस फंदे को यहाँ से लाते हुए यहाँ पे ड्रॉप कर देंगे। फिर से देखिए धागा पीछे करके इस फंदे के हम नीचे से सिलाई डालेंगे। देखिए इस तरह से नीचे से सिलाई डाल के एक फंदा इस तरह से बनाएंगे यहाँ पे, धागा अपनी तरफ लाके और एक बार सिलाई पे इस तरह से धागा घुमाएंगे। फिर 3 फंदे उल्टे बनाएंगे, 1, 2, 3। इस फंदे को लेंगे और इसके ऊपर से लाते हुए यहाँ पे ड्रॉप करेंगे इसे ऐसे, धागा पीछे करेंगे। देखिए ऐसे करते करते लास्ट में हमारे 2 फंदे बचेंगे। पहला फंदा तो हमने इस तरह से बुनना है जैसे हम बुन रहे थे, नीचे से सिलाई डाल के ऐसे, और एस स्टिच को हम सीधा ही बना देंगे। तो देखो फ्रेंड्स, ये हमारी यहाँ पे पहली सिलाई ओवर हो गई है। अब देखिए दूसरी सिलाई बनाएंगे हम उल्टी तरफ से। पहला फंदा एस स्टिच है, इसे स्लिप करने के बाद पूरी सिलाई उल्टी उल्टी बनाएंगे। दूसरी सिलाई बैक साइड से पूरा उल्टा उल्टा बना के कंप्लीट करेंगे। तो यहाँ पे मैंने ये दूसरी सिलाई भी लगा ली है। देखिए डिज़ाइन को सीधी तरफ से, तो फिर से हम यहाँ पे फर्स्ट रो लगाएंगे जो हमने ये वाली सिलाई लगाई है। यहाँ पे पहली और दूसरी सिलाई को बार बार रिपीट करते हुए जाएंगे। जैसे जैसे हम इसे ज़्यादा बुनते जाएंगे, ये डिज़ाइन हमारा इस तरह से आएगा। आप देख सकते हो कितना ब्यूटीफुल ये डिज़ाइन है, बहुत ही ईजी भी है, और ऑल प्रोजेक्ट पर आप इस डिज़ाइन को अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, आपको वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा। डिज़ाइन पसंद आया हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।